गुड मॉर्निंग बच्चों। महासागरीय धाराएं सागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। धाराएं धरातलीय भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान ही होती हैं। सागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरीय धाराओं के अनेक आर्थिक लाभ होते हैं। इनके सहारे महासागरीय परिवहन मार्ग निश्चित किए जाते हैं, उत्तम बंदरगाहों की स्थिति निर्धारित होती है। इनके अलावा ये धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती है। तापमान के आधार पर धाराओं को दो भागों में बांटा गया है, उष्ण धारा तथा ठंडी धारा। धाराओं की गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर है। इस आधार पर भी उनके कई उप प्रकार हैं। प्रवाह, जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। धारा, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहा जाता है। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। विशाल धारा, जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहा जाता है। धाराओं की उत्पत्ति, महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप संभव होती है। इनमें पहला है पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक। पहला है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी अक्ष रेखा के सारे परिक्रमा करती है। इस गति के कारण जल स्थल का साथ नहीं दे पाता है, जिस कारण वह पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह विषुवतरेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। कभी कभी कुछ जल पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा की ओर भी अग्रसर हो जाता है, जिस कारण प्रतिविषुवतरेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। सागर संबंधी कारक, सागर जल के तापमान, लवणता, घनत्व आदि में स्थानीय परिवर्तन होते हैं, जिस कारण धाराओं की उत्पत्ति होती है। पहला है तापक्रम में भिन्नता। पृथ्वी पर सूर्य ताप के वितरण में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। विषुवतरेखीय भागों में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं, जिस कारण अत्यधिक सूर्य ताप के कारण जल का तापक्रम ऊंचा हो जाता है। परिणाम स्वरूप जल का घनत्व अत्यधिक कम हो जाता है और विषुवतरेखीय जल धारा के रूप में गतिशील हो जाता है। इस तरह विषुवतरेखीय रेखा पर जल की पूर्ति के लिए ध्रुव की ओर से विषुवतरेखा की ओर अधप्रवाह आरंभ हो जाता है। सेकेंड है लवणता में भिन्नता। सागरीय लवणता से सागरीय जल का घनत्व प्रभावित होता है तथा घनत्व में अंतर के कारण धाराएं उत्पन्न होती है। यदि दो क्षेत्रों में तापक्रम समान परंतु दोनों क्षेत्रों की लवणता में अंतर हो तो अधिक लवणता वाले भाग में जल का घनत्व अधिक हो जाएगा, जिस कारण जल नीचे बैठ जाएगा, जबकि कम लवणता वाले भाग में जल का घनत्व अपेक्षाकृत कम होगा, जिस कारण कम खारे भाग से अधिक खारे भाग की ओर गतिशील हो जाती। ऊपरी सतह के नीचे अधिक खारे भाग का जल कम खारे भाग की ओर अधप्रवाह के रूप में चलने लगता है। इस तरह की धाराएं खुले तथा बंद सागरों के मध्य चला करती है। अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जलमार्ग से होकर रूम सागर की ओर धाराएं चलने का यही कारण है। रूम सागर की सतह के नीचे का जल अधप्रवाह के रूप में अटलांटिक महासागर की ओर चलने लगता है। इस तरह की धाराएं लाल सागर तथा अरब सागर के बीच भी चलती हैं। घनत्व में भिन्नता, ऊपर तापक्रम तथा लवणता के कारण उत्पन्न घनत्व में भिन्नता के कारण धाराओं की उत्पत्ति की विवेचना की जा चुकी है। इसके अलावा कई और भी ऐसे कारण हैं जिसके कारण सागरीय जल के घनत्व में अंतर होता है, धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। ध्रुवीय भागों में न्यून सूर्य ताप के फलस्वरूप कम तापक्रम के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है, परंतु हिम के पिघलने के कारण लवणता कम हो जाती है, जिस कारण घनत्व कम हो जाता है। परिणामस्वरूप ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएँ विषुवत रेखा की ओर चलने लगती हैं। दबाव से भी घनत्व में अंतर आता है। सागरों के ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, जिस कारण घनत्व भी अधिक हो जाता है। इस तरह
सागरों के ऊपरी भाग में हल्का जल तथा गहरे भाग में भारी जल मिलता है, जिस कारण जल में लंबवत गति उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद।